सो वी स्टार्ट टेज टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन हार्ट तो आज ह्यूमन uh, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब हार्ट uh, की स्ट्रक्चर कैसी है शेप कैसी है और उसका फंक्शन क्या है मतलब ब्लड सर्कुलेशन उसमें कैसे होती है सो बेसिकली हार्ट इज डिराव फ्राम ग्रीक वर्ड कार्डियम ठीक है ग्रीक वर्ड कार्डियम से निकला है ह्यूमन हार्ट कार्डियम भी सेम कहते हैं ठीक है कॉनिकल मस्कुलर आया पम्पिंग ऑर्गन भी हम इसे कहते हैं कॉनिकल शेप होता है मतलब मस्कुलर ऑर्गन है ठीक है पम्पिंग ऑर्गन है मतलब कि ब्लड की सर्कुलेशन या पंपिंग में हेल्प आउट करता है प्रेजेंट इन द चेस्ट कैफ्टी बिहान दर्न बिटवीन टू लंग्स ठीक है दो लंग्स के बीच में हमारे पास प्रेजेंट होता है अच्छा कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर हम लोग ये कह रहे होते हैं ठीक है थीके? तो वो इस वजह से होता है क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक चैम्बर होता है ठीक है लेफ्ट चैम्बर जिसे हम कहते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ठीक है और वो लार्जेस्ट चैंबर होते हैं हमारे हार्ट का ठीक है हार्ट के बेसिकली फोर चैंबर होते हैं ठीक है तो वो जो लेफ़्ट चैम्बर है जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल भी कहते हैं वो थोड़ा क्या होता है लार्ज चैंबर होता है लार्जेस्ट चैंबर होता है ठीक है फोर में से तो इसलिए वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ठीक है लेफ्ट साइड पर इसलिए हमें लग रहा होता है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर है ठीक है जो हमारी वो हम uh, सोचते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है ठीक है इस वजह से अच्छा बेसिकली अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखें ये हम इन वैसे ही ड्रा किया है मतलब आप समझाने के लिए कि हार्ट जो होता है वो दो मम्ब्रेन से कवर होता है ठीक है और इन डबल मेम्ब्रेन जो होती है ये जो डबल मेम्ब्रेन होती है इन्हें कहते हैं पेरिकार्डियम ठीक है क्या कहते हैं पेरिकार्डियम और ये पेरिकार्डियम हमारे पास क्या करती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हार्ट को अच्छा अब इन दो, दो मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी है ठीक है ये जो है ये खाली जगह है एक कैविटी और इस खाली जगह में एक फ्लूड है ठीक है ये कैविटी है और उसमें क्या है क्या है फ्लूड है इस फ्लूड को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड ठीक है क्या कहते हैं पेरी कार्डियल फ्लूड कहते हैं एंड दिस फ्लूड इज़ प्रोवाइड लुब्रिकेशन ठीक है ये फ्रिक्शन नहीं होने देता हार्ट के जितने चैम्बर्स हैं ना चार चैम्बर्स हैं उनको आपस में रगड़ाव हो जो होता है ना उसके कहते हैं फ्रिक्शन उनको रिड्यूस करते हैं और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ठीक है अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में दो साइड्स होती हैं मैमल्स की बात करें बर्ड्स की बात करें हम ह्यूम्स की बात करें ना ठीक है तो दो साइड्स होती हैं होती है राइट साइड देख होती है लेफ्ट साइड राइट right साइड और ये दोनों साइड आपस में एक वॉल के ज़रिए सेपरेट होती है जिसे कहते हैं सेप्टम सेप्टम एक वॉल होती है जो इन दोनों साइड्स uh, को सेपरेट कर रही होती है ठीक है अब जो राइट right साइड है उस पर भी दो चैंबर है और लेफ्ट साइड पर भी दो चैंबर हैं ठीक है थीके? अब ये जो दो चैंबर है, हैं ये अब मैं बताती हूँ कैसे हैं अब ये वाले अब अगर हम ये देखें ठीक है ये फोर चैंबर हैं एक दो तीन चार ये राइट right साइड में तो नहीं राइट right चैंबर कहेंगे ये लेफ्ट पे तो लेफ़्ट कहेंगे ठीक है मेरा राइट right, लेफ्ट है आपका और होगा ठीक है अच्छा ये अब ये देखें पहले वाले ये जो ये वाला ऐसे कहते हैं आर्ट्रियम या आरिकल कहते हैं इसे वेंट्रिकल कहते हैं ठीक है थीके? तो ये जो पहले दो होते हैं इन्हें कहते हैं आरिकल ये कहते हैं वेंट्रिकल आरिकल हमेशा थिन वॉल्ड होते हैं ठीक है थीके? इनकी वॉल होती है वो थिन होती है जबकि वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है अच्छा ये जो है यहाँ पर ये यह सेप्टम या वॉल प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही होती है ठीक है तो बेसिकली हमारे पास दो आर्कल हो गए दो वेंट्रिकल हो जाते हैं ठीक है आर्कल वेंट्रिकल आरिकल वेंट्रिकल तो ये हमारे पास कौन से हो गए ये लेफ्ट आर्कल लेफ्ट वेंट्रिकल ये राइट आरिकल राइट वेंट्रिकल होगी ठीक है इस तरह ये इसको हार्ट के चैम्बर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं और किस किस तरह ये सेपरेट हुए हुए हैं अच्छा अब ये हम लोग हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनके वाल उनके बीच में कौन कौन से वाल होते हैं पढ़ते हैं चैम्बर हम लोगों ने पढ़ लिए ये लेफ्ट आरिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल राइट आर्कल राइट वेंट्रिकल है अच्छा राइट आर्कल और राइट राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल होता है जिसे कहते हैं ट्राए कस्पिड वाल्व ठीक है अब ये जो ट्राए कस्पिड वाल है इस वाल का क्या काम है ये कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो को ठीक है अच्छा ये यहाँ पे लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल है जिसे कहते हैं बाइक का वाल ठीक है अब ये दोनों वाल जो है ना ट्राई कस्पीड वाल और बाइक का स्पीड वाल मिलकर क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं ब्लड फ्लो को मतलब कि कितने अमाउंट में ब्लड ने यहाँ से जाना है या नहीं जाना ठीक है अच्छा खाली वेंट्रिकल की अगर हम बात करते हैं तो लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसे कहते हैं सेमी ल्यूनियर वाल्व और ये सेमी सेमिलियनर वाल्व क्या करता है प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू आर्ट्रिका ठीक है यहाँ से ब्लड इधर आ गया ना ठीक है आरिकल से वेंट्रिकल के अंदर आ गया अब वेंट्रिकल से वापस ना जाए इसको रोकने के लिए हमारे पास कौन सा वाल्व है सेमी सेमिलियूनर वाल्व ठीक है अब ब्लड की सर्कुलेशन बेसिकली होती कैसे है वो ऐसे होती है कि हमारी बॉडी में होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है वो हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेनाकेवा जो कि लार्जेस्ट वेन है बॉडी की याद रखें एम सी प्यू इसके वाले से भी इंपॉर्टेंट है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है वेनाकेवा के, के जरिए किधर जाएगा थ्रू राइट आर्कल के अंदर जाएगा राइट right आर्कल से राइट right वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा तो राइट आर्कल लाइफ वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होगा ट्राइकस्पे वाल्व इसके थ्रू आएगा ठीक है किधर राइट right वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा ये राइट वेंटिकल जिसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये राइट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को किधर भेज देगा लंग्स के अंदर भेज देगा ठीक है तो लंग्स में कौन लेके आएगा पल्मोनरी आर्टरी लेके आएगी ठीक है पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली लंग्स की आर्टरी को कहते हैं ठीक है जो लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाएगी किधर से राइट right वेंट्रिकल से अब होता ही ऐसे है कि लंग्स के अंदर क्या होगी ऑक्सीजनेशन होगी ठीक है मतलब ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था अब यहाँ पे क्या होगी उसकी ऑक्सीजनेशन होगी मतलब ऑक्सीजन ऐड होगी जैसे ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये पलमर वेन के जरिए पलमर आर्टरी के जरिए आया था पर वेन के जरिए ये ब्लड कहाँ पे जाएगा पर वेन से ब्लड को कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ठीक है अब ऑक्सीजनेशन हो गई है ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारे पास हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है ठीक है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी नहीं लेती ठीक है तो ये पलमर वेन के जरिए का चला जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाएगा ठीक है और लेफ्ट आर्ट्रीम से ये देखें ये लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाएगा लेफ्ट आर्टीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ठीक है किसके थ्रू बाय बाएकिटवाल के थ्रू ठीक है ये देखें लेफ्ट आर्ट्री से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू बाय बाए कस्पिटवाल लेफ्ट आर्ट्री से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू बाय बायसपिटवाल जिस वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल जो है लेफ्ट आर्ट्री से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक है जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भेज देगा हमारे पास ब्लड को किधर अरोटा के अंदर अरोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्ट्री इन आवर बॉडी ठीक है वेना केवल लार्जेस्ट वेन है एरोटा हमारे पास लार्जेस्ट आर्ट्री है और ये लार्जेस्ट आर्ट्री फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किधर चली जाएगी किधर भेज देगी बॉडी के अंदर समझ आ गई है तो ये सारा प्रोसीजर हमारे पास हार्ट के अंदर होता है हार्ट के किधर होता है हार्ट के वाल्स के अंदर होता है ठीक है हार्ट के चैम्बर्स के अंदर ये सारा प्रोसीजर होता है पहले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर वो उसकी ऑक्सीजनेशन होती है लंग्स के अंदर फिर वो दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो फिर वो एरोटा जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है वैसे लेके जाती है बॉडी के तमाम पार्ट्स में जहाँ जहाँ ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है अच्छा एक दो चीज़ें वो ये हैं कि, कि ब्लड्स ब्लड जो होता है वो हमारे पास जाता है हार्ट के अंदर ठीक है और हार्ट से जाता है लंग्स के अंदर लंग्स के, लंग्स में उसकी क्या होती है ऑक्सीजनेशन होती है ठीक है और फिर वो दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर लेके जाता है हार्ट के अंदर तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पलमलरी सर्कुलेशन ठीक है जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है हार्ट से लंग और लंग फिर लंग से हार्ट और फिर दोबारा हार्ट हार्ट के अंदर तो इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन अच्छा की दफ़ा होता है कि ब्लड जो होता है वो जाता है हार्ट के अंदर और हार्ट से जाता है ब्लड बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ठीक है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जाता है और बॉडी टिशूज़ से दोबारा फिर हार्ट के अंदर आता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ठीक है तो ये दोनों सर्कुलेशन डिफरेंट होती हैं थोड़ी एक लंग्स के अंदर जा रहा होता है ब्लड और एक बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जा रहा होता है अच्छा अभी हम ए, ए, एक दफ़ा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ओवरऑल ये हार्ट है और इसका ये स्ट्रक्चर है एरोटा हमने कहा कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की और वेना के सबसे लार्जेस्ट वेन है पल्मोनरी आर्टरी है ये ये जो जो होती हैं ये कहते हैं पल्मोनरी वनस हैं ये हमारे पास क्या है लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके बीच में एक वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व है अच्छा ये लेफ्ट साइड है सारी ये राइट साइड है इन दोनों को एक सेप्टम सेपरेट कर रहे हैं ठीक है अच्छा हमने कहा था कि लेफ़्ट वेंट्रिकल और सॉरी राइट वेंटिकल और लेफ्ट वेंटिकल के बीच में सॉरी यहाँ पे ये राइट right वेंटिकल है ठीक है लेफ्ट वेंटिकल और राइट वेंटिकल के बीच में एक वाल्व है जिसे कहते हैं सेमी लीनियर वाल्व ठीक है जो कि ब्लड फ्लो को बैकवर्ड उसका जो ब्लड का फ्लो है उसको प्रीवेंट करता है ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो गया राइट right वेंट्रिकल ये रा, राइट आर्ट्री में ये राइट वर्टिकल है और इनके बीच में जो वाल्व है उसे कहते हैं ट्राइक स्पिड वाल्व और ये हमारे पास सबसे बड़ी वेन लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी डेट इज वेना केवा तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर आ गया और कैसे इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होती है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी फ्रॉम इन द कमेंट बॉक्स आई विल आंसर यू इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है वीडियो को थैंक यू सो मच, फेस